तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता देवेंद्र कौशिक हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, आपसे जानने की कोशिश होगी, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में आरोपियों को भेज दिया गया और साथ ही ये भी जानकारी सामने आ रही है कि पिस्टल मुहैया कराने वाले आरोपी से भी पूछताछ की जाएगी। बिल्कुल प्रीति, देखिए अगर हम बात करें दोनों आरोपियों की, तो मुख्य आरोपी जो तौसीफ है उसको अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और इसके साथ साथ में जो उसके साथी था जो गाड़ी चला रहा था रेहान को अभी अदालत में पेश नहीं किया गया है, चूंकि उसको एक दिन बाद गिरफ्तार किया गया था और उसका भी 2 दिन का पुलिस ने रिमांड लिया था, तो उसे अदालत में कल पेश किया जाएगा। लेकिन इस बीच जो अजरू जिसने पिस्टल बरामद कराई थी, पिस्टल दी थी उसको मुख्य आरोपी तौसीफ को, उसको कल गिरफ्तार किया था और आज उसे अदालत में पेश किया गया था और अदालत ने उसको भी सीधे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। तो कह सकते हैं जो मुख्य आरोपी है तौसीफ, उसको न्यायिक हिरासत में 14 दिन के लिए भेजा है। इसके साथ साथ में जो तीसरा आरोपी है जिसको कल शाम देर शाम पकड़ा था पुलिस ने, अजरू, उसको भी न्यायिक हिरासत में 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया है। इसके साथ साथ में जो रेहान है जिसको रेवासन से पकड़ा था पुलिस ने, उसका एक रिमांड लिया गया था और रिमांड उसका कल पूरा होगा। कल एक बार अदालत में रेहान को फिर दोबारा पेश किया जाएगा और वहाँ उस पर अदालत फैसला करेगी कि उसको न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है या पुलिस उसकी रिमांड की मांग करती है। लेकिन इसके बीच में एक जो बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है वो ये आ रही है कि जैसे ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से तौसीफ को अदालत में पेश किया गया था तो उसकी तरफ से एक तहरीर दी गई है, एक एप्लीकेशन अदालत में लगाई गई है और वो अदालत में एप्लीकेशन है जेल बदलने की। देखिए सबसे बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो ये है कि वो नीम का जेल जो फरीदाबाद की जिला जेल है वहां नहीं जाना चाहता, उसको डर है इस जेल से और इस जेल के बजाय वो भोंडसी जेल में जाना चाहता है। भोंडसी जेल में, क्योंकि हम सुबह से ही इस खबर पे बने हुए हैं, जो भोंडसी जेल है, भोंडसी जेल में उसका जो सगा मामा है इस्लामुद्दीन, वो एक इंस्पेक्टर, पुलिस इंस्पेक्टर के अपहरण के मामले में सजा काट रहा है। वो चाहता है तौसीफ को वो अपने मामा के साथ भोंडसी जेल में रहे और इस बात को लेकर जो निकिता के परिजन हैं इस बात खासे नाराज हैं और उनके निकिता के जो मामा हैं एदल सिंह, वो खुद वकील हैं, अब उनकी तरफ से कहा गया है कि अदालत में उनकी तरफ से एक एप्लीकेशन मूव की जाएगी और उस एप्लीकेशन में इस बात का विरोध किया जाएगा जो तौसीफ ने तहरीर अदालत में दी है जेल बदलने की। जेल बदलने को लेकर खासे नाराज पीड़ित दिखाई दे रहे हैं और इस बात को लेकर अब अदालत के लिए जो उनके मामा हैं वो रवाना हो चुके हैं और अदालत में जाकर अपना जवाब दाखिल करना है उनको, उसके बाद में उस पर फैसला लिया जाएगा। लेकिन अदालत की तरफ से 14 दिन का अभी तौसीफ और अजरू के न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला लिया जा चुका है। जी प्रीति, देवेंद्र फिलहाल अब तक क्या कुछ चीजें सामने आई है, क्या अपहरण के मकसद से वो निकिता के कॉलेज के बाहर पहुंचा था या फिर पूरे इरादों के साथ? बिल्कुल, देखिए अगर SIT की जांच की बात करें तो तौसीफ का कबूलनामा बिल्कुल सामने आया है, जो कबूल किया है SIT के सामने उसकी तरफ से साफ किया गया है कि वो अपहरण करने के लिए जरूर आया था लेकिन मन में कहीं ना कहीं उसके ये था कि निकिता की हत्या करनी है और निकिता की हत्या करने को लेकर ही अजरू से उसने देसी पिस्टल लेकर आया था और जो देसी पिस्टल अजरू ने उसको दिलवाई थी, दी थी, वो कहीं ना कहीं जो इस्लामुद्दीन है, जो सगा मामा है तौसीफ का, उसकी तरफ से उसको देने के लिए कहा गया था। तो इस मामले में कह सकते हैं कि अपहरण की नाकाम कोशिश के बाद में निकिता को गोली मारी थी और कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर जो रेहान है, जो साथी था, जो गाड़ी चलाकर लेकर साथ आया था, वो भी इस मामले में संलिप्त था। SIT की जांच में अभी और कई खुलासे होने बाकी हैं, क्योंकि अभी कई एंगल से SIT जांच करेगी। 5 सदस्यीय जो SIT चीफ है अनिल यादव, उनकी तरफ से साफ कर दिया गया है कि इसमें कोशिश हर एंगल से जांच की होगी, चूंकि गृह मंत्री अनिल विज भी कह चुके हैं कि जो 2018 का अपहरण का मामला है निकिता का, चूंकि इसी मुख्य आरोपी तौसीफ ने 2018 में अपहरण करने की कोशिश की थी और एक मुकदमा दर्ज किया गया था और कहीं ना कहीं जो रसूखदार परिवार से ताल्लुक रखता है तौसीफ, तो उस वक्त दबाव में जो निकिता के परिजन हैं उनको फैसला करना पड़ा था और मुकदमा वापस लेना पड़ा था। लेकिन अब गृह मंत्री अनिल विज कठोर हो गए हैं और उन्होंने 2018 के मामले को भी खोलने की बात कही है, तो अब SIT कई एंगल से चाहे यही वजह की पूरा देश निकिता के लिए इंसाफ की मांग भी कर रहा है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप नजर बनाए।